उसमें तो नहीं दिया हुआ, लेकिन जो इंडस्ट्री में अब सबसे ज्यादा यूज हो रहा है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, वो बर्कलैंड हाइट प्रोसेस होता है। आपके कोर्स में तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया, नो डाउट वो भी यूज होता है, लेकिन अब उससे ज्यादा ये यूज होने लगा है। डायलोट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन पूछते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इन सबसे। तो मेरे भाई, इन सबके साथ जो इनके रिएक्शन दिए हैं, तो एक बात याद रखो, NO32 तो बनना ही बनना है, लाजमी NO32 बनना है, NO32 लाजमी बनना ही बनना है। फर्क कहाँ आएगा बता दो, मैग्नीशियम और मैग्नीज होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिविटी मेटल। मेटल्स की रिएक्टिविटी की सीरीज में अलग से आपको सिखाऊंगा कि क्या होती है वो। तो जब हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे तो देखिए ये तो बनेगा, क्या बनेगा लास्ट में, कोई भी रिएक्शन हो किसका, नाइट्रिक एसिड का किसी भी मेटल के साथ, चाहे वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो या कंसंट्रेटेड हो, मेटल का नाइट्रेट तो बन नहीं बनना, ठीक है जी। यहां पर बन गए क्या, दो हाइड्रोजन। जब लेस रिएक्टिव मेटल से कर रहे हैं तो फिर मेरे भाई वाटर बनता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है, सब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। ये भी लेस रिएक्टिव है, सिल्वर और मरकरी, सिल्वर और मरकरी। अब आ जाए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, कॉपर, जिंक और मरकरी। कॉपर, जिंक और मरकरी के हवाले से देखें, कॉपर नाइट्रेट है NO2 बनेगा, जिंक नाइट्रेट है NO2 बनेगा, मरकरी नाइट्रेट है NO2 बनेगा, और ये वाटर भी बनेगा। मेरे भाई ये कब है, कंसंट्रेटेड HNO3 में। मैंने क्या कहा था, मेटल नाइट्रेट बनना है। फर्स ये जब डायलूट होता है तो मेटल नाइट्रेट के साथ H2 बनता है, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है। लेस रिएक्टिव मेटल है तो NO और H2 बनता है, लेकिन जब कंसंट्रेटेड HNO3 हो तो भाई मेटल का नाइट्रेट बनेगा, NO2 बनेगा और वाटर बनेगा। और अगर नॉन मेटल्स हो, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, कार्बन, सल्फर या फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस के केस में इनके मशहूर जमाने ऐसे, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक, और कार्बन के केस में इनकी ऑक्साइड। बाकी देखिए प्रोडक्ट वही सेम है, NO2 और H2O तो बना ही बना है, जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर रहे हैं, चाहे वो ये हमारे मेटल्स हो चाहे वो हमारे नॉन मेटल्स हो। यहाँ फर्क ये हो गया कि इन दोनों के रिस्पेक्टिव फेमस एसिड बन गए, यहाँ फेमस गैस बन गए, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री के, थैंक्स सो मच।